वो जो शबे बारात कहते हैं वो 15वीं शाबान को, उसका कोई सबूत नहीं, न रोज़ों का सबूत है, न नमाज़ों का सबूत है, न रात में जा कर के कब्र पर तरह तरह की हरकतें करने का कोई सबूत है, इस तरीके की किसी भी हरकत का सबूत मौजूद नहीं, रोजे का, न उस रात नमाज का, न जागने का, न कब्रों पर जाने का, और बड़े धड़ल्ले के साथ मनाया जाता है शबे बारात के नाम से। और इन्हीं आयात से इस्तदलाल किया जाता है ये जो सूरह दुखान है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने कुरान हकीम को इसी रात में नाज़िल किया, गोया रमजान रमजान है कुरान की वजह से, पूरा क्रेडिट कुरान के हाथ में जाता है, इसी रात नाज़िल हुआ, लिहाजा इस रात की फजीलत जानते हैं 1000 महीनों के बराबर है। अगर ये रात किसी को मिल गई तो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने महीनों की इबादत का सवाब मिल गया, शर्त यह है कि वो इस रात को पाले। बड़े मुबारक हैं वो लोग जो यकसू हो गए हैं अल्लाह की तरफ, और कोशिश उनकी ये होती है कि अल्लाह की तरफ यकसू होकर के इस रात को पाए, और ख़ासतौर से नौजवान अगर इस तरीके की कोशिशें करें तो काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। तो इस रात को जिसने पा लिया दर हकीकत उसने 1000 महीने की इबादत का सवाब पा लिया। और बताया गया कि इस रात को बहुत बड़े बड़े फैसले होते साल भर के लिए, मीकाइल को पूरी लिस्ट दे दी जाती है किस आदमी को कितना देना है, कितनी रोजी देनी, कितना पैसा देना है, किस दिन कितना उसको मिलना है, वो सब लिख दिया जाता है, किस आदमी को किस दिन मरना है, अगला रमजान किसको नहीं देखना है, पूरी लिस्ट हजरत मलकुल मौत को संभाल थमा दी जाती है, जितने लोग हैं ये अगले साल नहीं रहेंगे लिस्ट दे दी, कितनी किसको कितनी रोजी मिली है ये पूरी लिस्ट दे देगी, इनको इतना मिला, इनको इतना मिला, इनको फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, और हर फैसला हकीमाना होगा। तो बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं, मामूली रात नहीं है, और फरिश्ते आते हैं, तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह, हज़रत रूहुल अमीन आते हैं, क्यों भाई हज़रत रूहुल अमीन तो इसी रात को तो लेकर उतरे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान हकीम, जिस रात उतरे थे उस रात के अंदर जब तक कयामत नहीं आ जाती इस रात के अंदर बराबर उतरते रहे, एक रात है। अब वो गड़बड़ हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एग्जैक्ट बता दिया गया था कौन सी रात है, 21वीं है कि 23वीं है कि 25वीं है कि 27वीं है कि 29वीं है, बता दिया गया था। कोई बताने के लिए आप निकले थे, देखा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं, फतलाह रजुला नहीं मिल मुस्लिमी, दो मुसलमान लड़ रहे थे, बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो चीज बुला ली, जैन से निकाल दी। अब वो दोनों आदमी पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल लगता है कुछ बताने के लिए आप निकले थे, अरे कहा कि मुझे लैलतुल कद्र को का एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया था, वो कौन सी रात है, 21वीं 23वीं 25वीं कौन सी रात को बता दी गई, वो बताने के लिए निकला था। लेकिन ये तुम दोनों जो झगड़ रहे थे ना, झगड़े की वजह से मेरे जहन से वो बात निकाल दी गई, अब 5 ताक रहा तुम उसे तलाश करो। देखो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों का आपसी झगड़ा ये सिर्फ उनका आपसी झगड़ा नहीं है, बल्कि उसका असर दीन के ऊपर पड़ता है। मुसलमानों की आपसी लड़ाई का असर सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका असर दीन तक मुक्तद हो जाता है। अब देख रहे हैं अभी 5 ताक रातें हमें जागनी है, 5 ताक रातों में उस रात को पकड़ना है, जो पकड़ ले गया जिसको वो रात मिल गई पूरी रात सलामती की है। बास लोग कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लिए हुए सलाम करते हुए गुजरते हैं, और जिसके सामने से गुजर गए और वो ताक रात की तलाश में है समझो उसको वो रात मिल गई, और ये मामला सुबह तक रहता है, हत्ता मतलब फजर सुबह तक रहता है, और जैसे सुबह काजिब खत्म हुई सुबह सादिक हुई तो वो लोग निकल जाते सुबह तक रहता है।